बेटी सुशीला पिताजी क्या लाल पिए जब पहने हैं अच्छी देख करके बोल रही हो। हाँ पिताजी, ये बताइए सावधी ना सफेद धोती में रहते थे, आज भी लाल पियर देख रही पिताजी, क्या बात है? हाँ, इसका कारण है कि बेटी सुशीला मैं शादी दूसरा किया हूँ। बेटी सुशीला, तुम दोनों भाई बहन आए मत, दोनों भाई बहन को टाइम से भोजन नहीं मिलता है, टाइम से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। बेटी सुशीला और बेटा शंकर, तुम दोनों भाई बहन के लिए मैं मजबूरन शादी किया हूं। अरे बूटी जवान जी।
शादी करके आ गए हैं तो सुनो चलो माँ के तल के देखा जाए जो माँ कैसी है, प्यार भाई प्यार व्यवहार मुझे देती है कि नहीं। ठीक है मेरे भाई चल पिताजी। हाँ बेटे शंकर, और माँ है कहाँ? क्या मैं माँ को बुला दो कौन नहीं? हेलो तेरे मेकअप रूम से जो है सर आदमी खाली करवा दे दिया। महारानी। हाँ स्वामी जी। शंकर के बेटा शंकर और बेटी सुशीला से शंकर को मुलाकात करा। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं बस वेट करूंगी। तो मेरा बेटा शंकर और सुशीला कैसा है कि नहीं है? आओ मुलाकात करो बेटी सुशीला। हाँ पिताजी। यही सामने में तुम्हारी माँ है। ठीक है पिताजी।
मैं तुमसे एक बात पूछूं माँ। बेटी सुशीला, एक बात नहीं तो दो बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। आगे कहाँ तो आगे मैया आगे आगे तो मलचिन्नी है क्या बात।
बात है? एक बात कही हो। बोलिए। बड़ा धनात लगा थी। क्यों नहीं? उधार ला छू तो आरो चिक्कन लगा थी। और उधार लेती हूँ ना, मैं जंगल की रहने वाली हूँ ना। महारानी जी, मैं इस राज का मैं हूँ मंत्री। ओ माय गॉड, क्या मैं मंत्री हूँ इस राज के? आप मंत्री जी हैं? हाँ, क्यों नहीं बताइए। इसलिए मैं भी आपसे मुलाकात करने चल रहा हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम? हाँ, तो प्रणाम मत कीजिए। तो क्या करें, आप तो इतना सुंदर लगते हैं। अरे सुनो महारानी जी, आप इस राज का महारानी हो। क्यों नहीं? मैं मंत्री हूँ तो प्रणाम करने में क्या कोई तो दोष है क्या? ओ, नहीं, इतने छोटे नर लगा छोड़ो। भाई शंकर, वो फरवा कंपनी। भाई शंकर, हाँ बहुत जोशी। बता मुझे, ये जंगल में रहने वाली कभी माँ बन सकती है? भाई, ये सब बात मत बोलो। मान तो मैं आपकी है ना? नहीं भाई, इसकी चाल चलन देखना, ये कैसे चल रही है? जैसे रंडी बिसिया नहीं चलती है, वैसे ही चल रही है। बाहर ये सब बात माँ के नहीं कहा जाता, ये सब बेसिया की बड़ी बात। नहीं भाई, सुनो, माँ है, बहुत सोच लो, माँ है। देखने मेरे भाई, रहने दे, माँ, सुनो, इस तरह क्यों करती हो तुम? बेटा शंकर, मेरा आदत पड़ चुका है। अच्छा, ये आदत है? हाँ बेटा शंकर, कि मैं जंगल की रहने वाली हूँ, मुझको ऐसे में चलती हूँ, ऐसे। हाँ मेरे भाई, ये माँ की आदत है। नहीं भाई, मैं इसे माँ कभी स्वीकार नहीं करूँगी। बहन, ऐसी बात नहीं कहो, इसे माँ तुम्हें कहा नहीं होगा। नहीं कहूँगी मेरे भाई, कैसे कहूँ? बहन, चाहे जैसे कहो, इसे माँ कहो। ठीक है मेरे भाई, तुम कह रहा है तुम्हें माँ कहूँगी। क्यों नहीं? आगे दई जगह जोर से लगा है। तुम घोड़े क्यों टांग दी माँ?
हमारी माँ ऐसा ही रहती थी। क्या तुम्हारी माँ ऐसी रहती है? हाँ। लेकिन मैं नहीं रहती, मैं ऐसी रहती हूँ। भाई साहब आप पे पता मैं क्या करूं। सुशीला हाँ मेरे भाई शंकर इसके बातों पर ध्यान मत दो और चलो इससे खाना खा करके स्कूल को टाइम हो चुका है। ठीक है मेरे भाई चलूंगा। हाँ माँ माँ क्या बेटी बात है शंकर बेटा क्या कुछ खाना बनाई हो कि नहीं? खाना? हाँ मैं तो खाना नहीं बनाई हूँ बेटा, मैं तो अभी शादी करके आई हूँ। अच्छा मैं खाना नहीं बनाई हूँ, मैं तो खाना कहाँ से खिलाऊंगी? बहुत सुशीला हाँ मेरे भाई शंकर आ चलो अपने मतलब होता है छिपाटी के मतलब मंत्री के निकाल वाला मंत्री आप हमरा सके कुछ खाना होना खियाओ भूख लगल है ना। आप सिपाही जी है ना ये मंत्री जी? ओ माय गॉड मुझको तो पता नहीं है क्योंकि मैं जंगल की रहने वाली हूँ और मैं जंगली भाषा जानती हूँ। मैं इस महेंद्रपुर की भाषा में नहीं जानती हूँ। ये बताइए मंत्री जी खाना बना लिया ही है? खाना मैं अभी नहीं बनाई हूँ। भात दाल कहो भतार दाल नहीं तो भात दाल मौसा कहने अरे समोसा बोलो मौसा नहीं कहा जाता है पंचुआ खबो पंचुआ दिमाग पागल हो गया है। पंतुआ बोलो महारानी जी पंतुआ। एक तो हम लोग भूखे हालत खराब है ये क्या होता है अभी कराही में ना तेल भूज दे कचरी ना कच्ची कच्ची काट दे हवा बेसन वाला है ना सूजी वाला हलवा। ओ माय गॉड
ठीक है मैं हलवा बनाऊंगी, लेकिन एक बात है सिपाही जी या मंत्री जी। कौन सा बात है महारानी, क्या सुनाइए। सुनिए ना, जब शंकर सुशीला मुझको पास आया तो मुझसे गौर लगा। अच्छा। हमें आशीर्वाद दी। क्यों नहीं, लेकिन एक बात है मंत्री जी। कौन सा बात है। मैं तो जंगल की रहने वाली हूँ, मैं तो महेंद्रपुर के चाल चलन नहीं जानती हूँ कि इसका रीत रीत मतलब कि भाषा कैसा है महेंद्रपुर के। ये बताइए, अगर मैं एक बात आपसे मैं पूछूंगी तो आप जवाब दीजिएगा ना। क्यों नहीं, जवाब देने वाला होगा तो समय जवाब दे सकता हूँ। पहले सुनिए, सुनिए मंत्री जी, आपसे हम पूछ रहे हैं। सुनाइए, अगर जवाब देने वाला होगा तो आपको दे सकते हैं, नहीं होगा तो अवश्य नहीं दे सकते हैं। पहले सुनिए, रंडी और रंडी बेसिया के मतलब क्या होता है। अरे सुनो, ये तो बरकत सवाल पूछ दिए महारानी साहब। मंत्री जी सुनिए, रंडी और रंडी बेसिया के मतलब क्या होता है पहले ये तो बताइए। रंडी बेसिया को मतलब बहुत बात होता है, क्या होता है इतना हम कह नहीं सकते हैं। मैं तो जंगल की रहने वाली हूँ, मैं तो नहीं जानती, आप बताइए। आप तो चाहे जंगल के रहने वाली हो चाहे कुछ भी हो, मगर जब रंगमाल भी आ चुके हैं तो जो मुझे मानना है वही मानेंगे, रंडी बेसिया का सवाल नहीं होता है। हम बताओ, हम बताओ। मंत्री जी तो नहीं बताए, हम बताओ, आप बताइए कि सिपाही जी रंडी और बेसिया के मतलब क्या होता है। मुजफ्फरपुर जाना चाहिए, मुजफ्फरपुर भाषा है, मुजफ्फरपुर कौन भाषा है। मुजफ्फरपुर जाना चाहिए स्थान, नहीं तो अथी हुए ना रहे है रंडी या सब। हमको नहीं मालूम है, रंडी मतलब गाली हुआ और बेसिया मतलब कथी है पता है, जरा जो है से दस गो भतार रहा। और हम खोर महारानी जी गिर गए मुरुज खरकत में, क्या बताया रे बहुता, हकीकत ना कही हो। तुम बन लो काम के बिगाड़ दिया, तू सतिया नाश में मिला दिया तू। क्या सिपाही जी, आगे मागे 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 चुत्तर में हो गया। सिपाही जी ये बताइए कि मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या रंडी बेसिया के मतलब दाली होता है। हाय भगवान, कलकत्ता में सोना गाछी जना छियै। क्या मैं सिपाही जी मैं रंडी हूँ। हम की जाने के लिए से आए ना जनब, मैं बेसिया हूँ। इनका कहियो हमरा अपना कहूँ, हमरा भीतरे भीतरे डर लागे लागल। सुनिए सिपाही जी कि मैं जंगल की रहने वाली हूँ, मुझको यहाँ की भाषा मुझको मालूम नहीं है, लेकिन आप बोल दिए कि रंडी और बेसिया के मतलब गाली होता है। ठीक है, जाने दीजिए, शंकर सुशीला अभी बच्चा है, नादान है, उसको बुझने नहीं आता है। ओकरा ना ना बहे बुझे, यहाँ के तो बुझे भाई है। अरे मैं तो ऊ रानी हूँ, घर में महारानी है क्या। सुनिए ना, मैं तो ऊ रानी हूँ, किसी से के पत्थर तोड़ देती हूँ। कैसे कैसे, तेल लगा के, करुआ तेल की मटिया तेल, करुआ तेल। तो सुनिए, मेरा स्वामी जी है महेंद्र सिंह, उसको खबर कर दीजिए कि आपके बीवी जी बुलाए हैं। मालिक
हमारे तो हर दीदी बोला पति कहलिए दीदी नहीं का? पत्नी जा हमरा बुझे अपने के बीवी बोला ला हां मालिक हो गोबर लगाओ क्या बोला थे दादी अपने के धर्म पत्नी जी बुलाए हैं ठीक है तुम शायद हेलो में बात करते हैं धरनी प्रणाम स्वामी जी खुश रहो बा तुम बीच में कहे टपक जाते हो प्रणाम स्वामी जी खुश रहो महारानी और लगा छो स्वामी जी साध हो तो स्वामी कहिए तो दिक्कत हो मैं समझ रहा हूँ महारानी से कुछ बातचीत करेंगे तुम साध हो अपना बता दिए स्वामी जी महारानी मैं एक बात आपसे पूछूं क्या क्यों नहीं ठीक है सुनिए
ये बताइए बेटा शंकर और सुशीला से बातचीत किया, और बेटा शंकर और सुशीला को टाइम से भोजन मिला? ओ दोनों भाई बहन पढ़ने के लिए स्कूल गया है कि नहीं? स्वामी जी मैं टाइम से मैं शंकर और सुशीला के मैं भोजन कराती हूँ, उस टाइम से स्कूल चला गया। क्या शंकर सुशीला दोनों भाई बहन स्कूल चला गया? हाँ स्वामी जी वो लोग चला गया, लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? ओ माय गॉड, सुनिए अगर मैं कहूंगी तो आप नाराज मत हो जाइएगा। ये बताइए स्वामी जी, मैं तो जंगल की रहने वाली हूँ, महेंद्रपुर की, मैं भाषा नहीं नहीं जानती हूँ कि ये की भाषा क्या है और नहीं है। ये बताइए स्वामी जी कि रंडी और बेसिया के मतलब क्या होता है? भाषा जो है कौन बोला है, शंकर या सुशीला? सुशीला अगर गलत भी बोल दिया होगा तुम जो है दोनों को माँ है, दोनों जो है तुम्हारा लड़का है, गलत सलत भी बोल दिया है तो
तो माँ जो है बेटा को बेटी को जो है संभाल करके रखता है। इसलिए महारानी जी को ध्यान से महता दो। ओ बात हम नहीं धरते स्वामी जी, ये बताइए कि रानी अभिषेक मतलब गाली होता है? हाँ गाली होता है, लेकिन लड़का बच्चा जो है अगर गलती से गाली दे दिया है तो माँ है बेटा है और बेटी है, तू माफ नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा माँ? अगर स्वामी जी अगर मैं रानी भी सिया हूँ तो शादी की? नहीं महारानी मैंने बोला हूँ, अरे लड़का बच्चा बोल दिया है, ओ बात को जो है दिमाग से हटा दो। मैं रानी हूँ मैं बेटिया हूँ, नहीं नहीं तो आप शादी क्यों कर ली है? मुझको जंगल में छोड़ देते, मैं शादी नहीं करती। महारानी ये सब बात जो है साफ दिमाग से हटा दीजिए, क्यों की लड़का है और लड़की है, जैसा ही हमारा लड़का लड़की है वैसे ही आपको भी है। अभी बच्चा है क्या हो जाएगा, मुझको रंडी और बिस्या बोल देगा तो मैं सह लूंगी, मैं तो अपन मान आई हूँ तो तेरी माँ हूँ, लेकिन रंडी बिस्या के मतलब मैं सह लूंगी। मैं सारा बात मैं बोल करके मैं तुम्हारे साथ शादी किया हूँ, जो एक लड़का और एक लड़की है दोनों की माँ जो है आपको सुना पड़ेगा तब मैं आपके साथ शादी करूंगा। ठीक है साहब जी आप बाहर के पास जाइए, मैं शंकर सुशीला स्कूल से आता होगा, मैं खाना जी। ठीक है क्या मैं जाऊँ? ठीक है बाहर के पास जाइए। मंत्री जी ओ मंत्री जी ओ
जी। अरे मंत्री बाहर हो, अरे मंत्री साहब जो मंत्री साहब होता है मंत्री वादी का होता है रे। हम तो कहते हैं मंत्री साहब हो। खाने वाला भीतरी धंसा देंगे, क्या बात है बोलो। मालकिनी याद की है क्या? महारानी जी आ गए हैं। चलो क्या महारानी जी? मंत्री जी की जय हो। जय। एक बात है मंत्री जी आपसे। महारानी एक बात नहीं दो चार बात कर सकते हैं। बुला दीजिए कि छुट्टी के समय हो चुका है। मैं तुरंत बुलवा देता हूँ। भोजन में बनाई हूँ। क्यों नहीं? मैं खाना खिलाऊंगी। वो लोग आ जाएंगे। ठीक है जल्दी बुलाइए। भूख लग ए सुनो, कई दिन के भूखा हाथ हो तू हो। अरे कै रोज बीत रहा है तो और भाई बहन के साथ मेरा भी दिक्कत है ना। जल्दी बुलाइए ना। मंत्री जी आपको रंग महल में माँ बुलाई। क्या माँ बुलाई है? हाँ, और भोजन तैयार करके रखी है। क्या भोजन बन चुकी है? हाँ क्यों नहीं। महल सचिव हाँ मेरे भाई। चलो माँ भोजन बना चुकी है। ठीक है मेरे भाई चलना। आओ भाई। महारानी जी। हाँ मंत्री जी। ओ दोनों भाई बहन आ गई। क्या भैया? हाँ हाँ चिकित्सा हमने कीजिए। आगे कराई जब Thank you.
Thank you.
बेटा।